नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पिछले तीन दिनों से व्हाट्सएप पर तीन व्यक्तियों की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बहराइच जिले के कतरनिया वन्यजीव प्रभाग के चफरिया सुजौली में बाघ का आतंक मचा हुआ है और इसमें तीन लोगों की मौत हो चुकी है। वन क्षेत्र अधिकारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, चफरिया के प्रधान अजीज अहमद, सुजौली के प्रधान प्रतिनिधि जय राम गुप्ता ने वायरल हो रही खबरों का खंडन किया है। दोनों ही ग्राम सभा में कहीं कोई भी इस तरह की घटना नहीं घटी है। व्हाट्सएप पर जो भी वायरल हो रहा है, ये कुछ अराजक तत्वों की शरारत हो सकती है। चफरिया के प्रधान ने बताया कि सभी गांव में पता किया गया है, यहां पर ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जिससे जान माल का कोई नुकसान हो। जो फोटो में या वीडियो में वायरल किया जा रहा है, उसमें एक सर कटा हुआ है और एक सिपाही उस सर के पास बैठा है और वो उत्तर प्रदेश का नहीं है। वन क्षेत्राधिकारी सुजौली प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम व एसटीपीएफ के जवानों के साथ सुजौली रेंज में तीन बीट हैं, सुजौली बीट, कुलिहा गौडी बीट, बकलुहिया बीट में कल ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 24 घंटे के सर्च ऑपरेशन में ना तो कोई सूचना मिली, ना ही कोई डेड बॉडी ही मिली है। वन विभाग सुजौली इस खबर का खंडन करता है। जो भी खबर वायरल की गई है, ये सरासर गलत है। तरनिया घाट संरक्षित वन क्षेत्र के सिजौली रेंज के रेंजर साहब लगातार तीन दिनों से यहाँ पे कम्बिंग कर रहे हैं और इसी दौरान आज उनकी मुलाकात सिजौली प्रधान के वहाँ हुई है। इनसे जानते हैं क्या मामला है और क्या वायरल जो हो रहा है ये सच है, क्या मामला है जो वायरल हो रहा है। ये दो तीन दिन से ये व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है कि टाइगर द्वारा तीन आदमियों को मार दिया गया है। हम लोग रात दिन गश्त करते हैं एसटीएफ और अपने स्टाफ के साथ और जनता का सहयोग लेते हुए इस चीज़ पे टाइगर या लेपर्ड या किसी चीज़ पे विशेष निगाहें निगरानी बरती जा रही है। ऐसा कोई भी प्रकाश में नहीं आया है रात दिन गश्त करते समय कि किसी प्रकार का कोई टाइगर या लेपर्ड किसी ने को हमला किया हो। और उसका जो हमारे माने प्रधान जी हैं चफरिया, उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है, उनके द्वारा भी ये खंडन किया गया है कि ऐसे हमारे ग्राम सभा या आसपास किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना नहीं पाई गई है। ये कई गांव में, दो गांव का दिखाया जा रहा है, सिजौली और चफरिया जो आपका क्षेत्र है, इसमें यहाँ के कितने लोगों से आप मिल चुके हैं? लगभग हम सुजौली प्रधान जी से मिल चुके हैं, इस समय मौजूदा चफरिया प्रधान जी के आवास के पास ही खड़े हुए हैं। मुलाकात हुई है, जनता से बात हुई है, पब्लिक से बात हुई है, सबसे संपर्क साधा जा रहा है। किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना नहीं पाई गई है अभी तक। तो आप क्या करेंगे अब आगे, कोई कार्रवाई होगी विभाग के द्वारा कि क्या होगा? अब विभाग क्या मतलब इसमें उच्च अधिकारियों द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जाएगा उस पर तो कार्रवाई होनी निश्चित है। जानते हैं हमारे साथ में चफरिया के प्रधान अजीज अहमद हैं, इनसे क्या मामला है। प्रधान जी, जो वायरल हो रहा है इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? अब इसके बारे में हम लोगों को तो अभी तक कोई मतलब सूचना नहीं मिली है, ना तो कोई ऐसी जानकारी है, ना तो पब्लिक में ही ऐसी कोई बात है। और ये तो मेरे ख्याल से जहाँ तक हमको जानकारी है, ये फर्जी है और ऐसा कुछ नहीं हुआ हम लोगों के क्षेत्र में। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।